हेलो स्टूडेंट्स सो आई एम विद द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम द चैप्टर मॉरफोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड द टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ फ्लावर बराबर अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर पे ज्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेट किए जा सकते हैं फ्रेम किए जा सकते हैं बट हम लोग कुछ टिपिकल क्वेश्चन की बात करेंगे ईच फ्लावर नॉर्मली हैज़ फोर फ्लोरल वर्ल्स इस लाइन को मैं एक परसेंट इम्पोर्टेंस दूंगा सिर्फ ऐसा क्यों क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे अच्छे से याद है जो मैंने मॉर्निंग में अपलोड किया था मैंने ऐसे फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर यह टर्म दिया है बराबर द फ्लावर विथ ऑल द फोर फ्लोरल वर्ल्स इज कॉल्ड एज कंप्लीट फ्लावर दिस इज कैलिक्स रिप्रेजेंटेड बाय के सी रिप्रेजेंटिंग करोला ए फॉर एंड्रोशियम एंड जी फॉर गाइनोशियम अब यहाँ जो मैं क्वेश्चन सेट करना चाहता हूँ वो किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा इस बात पे थोड़ा सा फोकस करते हैं हम लोग यहाँ हर वर्ल पे मेरा जो फेवरेट क्वेश्चन टाइप रहेगा वो वर्ल के डिस्क्रिप्शन पे जब मैं आता हूँ तो मेरा क्वेश्चन मैं रखूँगा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट और हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट और इनकरेक्ट अब मैं ऐसे क्वेश्चन को क्यों प्रीफर करता हूँ जब मैं ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है तो मुझे ऐसे लगता है कि सारी की सारी लाइन्स हमें याद रहनी चाहिए जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनाती है जैसे द आउटर मोस्ट फ्लोरल वर्ल इज़ कैलिक्स तो यहाँ दो वर्ड्स जो है वो अंडरलाइन करने के बाद डब्बे में जाने चाहिए एक है कैलिक्स और दूसरा है आउटर मोस्ट बराबर अब यहाँ आउटर मोस्ट को लेकर मुझे एक पॉइंट यहाँ मेंशन करना है कि ये इसके फंक्शन के तरफ भी इंडिकेट करेगा एंड दैट विल बी द प्रोटेक्टिव नेचर बराबर ऐसा लिख के रखिए वहाँ आगे बढ़ते हैं एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड एज सेपल्स अब वैसे देखा जाए तो आप ये टेंथ में पढ़ते हो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है ऐसा नहीं जनरली सेपल्स आर ग्रीन अब ये पॉइंट में ग्रीन ये पोर्शन मेरे काम का हो गया मैं यहाँ से भी एक एरो निकालता हूँ और उसके दूसरे फंक्शन को मेंशन करता हूँ कि वो फोटो सिंथेटिक इन फंक्शन है बराबर लीफ लाइक है प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हुआ कैलिक्स दो टाइप का होता है बराबर जब उसके सारे सेपल्स फ्यूज हो या यूनाइटेड हो तो मैं उसे गैमो सेपैल्स बोलता हूँ यहाँ मैं एग्जाम्पल मेंशन करूँगा हिबिस्कस का जो आगे आने वाला है और दूसरा दतुरा सोलेनेसी का बराबर एट्सेट्रा तो रहेगा बट ये दो एग्जाम्पल्स मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाते इसे अंडरलाइन करते हैं हम लोग हाईलाइट करते हैं बराबर और आगे क्या फिर तो पॉली सेपेलस सेपल्स आर फ्री जब मैं सेपल्स फ्री की बात करूंगा तो यहां मुझे ब्रासिकेसी का एग्जाम्पल मिल सकता है मस्टर्ड का एग्जाम्पल मिल सकता है सेपल फ्री है वहां पे। बराबर अब यहां मैंने आइडेंटिफाई द करेक्ट बोला था मैं यहाँ कैलिक्स और करोला दोनों को एक साथ लेके वो क्वेश्चन समझाऊंगा करोला इज कम्पोज ऑफ पेटल्स पेटल्स आर यूजअली ब्राइटली कलर्ड टू एट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन ये पार्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलीनेशन मैं यहाँ थोड़ा सा इसे इलाबोरेट करने की कोशिश करता हूँ मैं सिर्फ इंसेक्ट्स की बात नहीं करूँगा इंसेक्ट्स के साथ मैं यहाँ लिखता हूँ कि बायोटिक एजेंसीज़ को वो अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये पॉलिनेशन के टॉपिक में इंपॉर्टेंट हो जाएगा बराबर लाइक कैलिक्स करोला में ऑल्सो बी विथ यूनाइटेड पेटल्स बराबर जब यूनाइटेड पेटल्स की बात हो तो गैमो पेटालस ये वर्ड इंपॉर्टेंट होता है और अगर फ्री है तो पॉली पेटालस की बात होगी और इसलिए ये पॉइंट यहां इंपॉर्टेंट हो गया ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया मैं पॉलीपेटालस का एग्जाम्पल मेंशन करूंगा मैं पॉलीपेटालस के एग्जाम्पल में यहाँ लेता हूँ हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस बराबर और मैं गैमोपेटालस के एग्जाम्पल के तरफ जब मैं जाता हूँ जब मैं गैमोपेटालस की बात करता हूँ तो मैं टेक्स्ट बुक के ही एग्जाम्पल को यहाँ लेता हूँ वो सोलेनेसी का है दतूरा है बराबर या फिर और कोई दूसरा प्लांट है द शेप एंड कलर ऑफ करोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स जो उसके आइडेंटिफिकेशन के फीचर्स होते हैं करोला ट्यूब्यूलर हो सकता है बेल शेप्ड हो सकता है फनेल शेप्ड हो सकता है या फिर व्हील शेप्ड हो सकता है ऐसे सेवरल शेप्स मुझे मिलते हैं अब जब मैं यहां आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट की बात करूंगा तो मैं गैमोपेटालस के अंदर आर सारूज बोल सकता हूँ जो कि गलत है पॉली को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि पेटल्स आर फ्री तो वो गलत है बराबर टर्मिनोलॉजीज पे बेस्ड क्वेश्चन टर्मिनोलॉजीज पे बेस्ड स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर टॉपिक की जान हो जाएगी बराबर एक अच्छा एग्जामिनर यहाँ से एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं निकालेगा क्योंकि ये कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट पार्ट है अंडरस्टैंडिंग के टाइप पे जाना हो तो प्रोटेक्टिव और फोटोसिंथेटिक ये दो पार्ट्स बने हुए हैं और पॉलीनेशन वाला बट यहाँ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बिकम्स इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये जो डायग्राम है आपको दूसरे एक और जगह मिलने वाली है वो मिलेगी ट्वेल्थ एन सी आर टी पे जहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर वन में इसकी बात करेंगे बराबर ये सारी डायग्राम्स पूछी जा सकती है ये नहीं पूछेगा बच्चों को कि ये कैलिक्स है करोला है एंड्रोशियम है गाइनोशियम ये नहीं पूछने वाला इस कैलिक्स की कंडीशन पूछी जा सकती है तो ये पॉली है इसकी कंडीशन पूछी जा सकती है तो ये पॉली है बराबर एखादा एक एग्जामिनर जो है वो टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली से दतुरा के फ्लावर का डायग्राम उठाकर इस तरीके से आपको दे सकते और पूछ सकते कि ये क्या है तो ये गैमो पेटैलस करोला हो गया बराबर अगर मैं हिबिस्कस के कैलिक्स को यहां ड्रॉ करूं तो इट अपियर्स लाइक दिस जहां पांच सेपल्स से एक दूसरे के साथ इस तरीके से फ्यूज है और ये है उसका शॉर्ट पेडिसिल तो ये जो कंडीशन मैंने यहाँ अब रेफर की है ये पॉली सेपैलस नहीं दिस विल बिकम द गैमो सेपैलस कंडीशन बराबर सो so ये डायग्राम्स पूछी जा सकती है ये स्टेमेन है और ये गाइनोशियम है आगे बढ़ते करोला, या फिर भी उसके members, सेपल्स और टेपल्स या टेपल्स, टेपल पेरियांत में से या या फ्लोरल बर्ड में किस टाइप के अरेन्जमेंट दिखाते हैं उसको एस्टाइवेशन बोला जाता है लाइन इंपॉर्टेंट है कभी नहीं आएगी बराबर सिर्फ इतना हो सकता है कि एस्टाइवेशन का मीनिंग पूछा जा सकता है तो वो हम लोग उसको बोलेंगे मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड ये इतना पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा बराबर विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स आने वाला है ही नो no डाउट इसे चिपकाओ यहां बराबर मेन टाइप्स एस्टाइवेशन के कौन से है वॉलवेट है ट्विस्टेड है इम्ब्रिकेट है और वेगिलरी है इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों फिगर फाइव पॉइंट वन फाइव है इस पैराग्राफ से जिन क्वेश्चंस को मैं एक्सपेक्ट करता हूं वो मेरे सारे लाइन बेस्ड नॉलेज ओरिएंटेड एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन से ये बात याद रखिए दूसरा जो क्वेश्चन मुझे यहां मिलता है वो मेरा मैच द कॉलम्स का है बराबर मैच द कॉलम्स में मैं क्या यूज कर सकता हूं मैं टाइप प्लस एग्जाम्पल की बात कर सकता हूं मैं फिगर प्लस एग्जाम्पल की बात कर सकता हूं अब आगे बढ़ते अब यहां देखिए कि वेन सेपल्स और पेटल्स सॉरी वेन सेपल्स और पेटल्स इन अ जस्ट टच वन अनादर एट द मार्जिन जस्ट टच वन अनादर विदाउट ओवरलैपिंग उसको बोला जाएगा वॉल्वेट तो मैं क्या करता हूं मैं मेरे पेज पे लिख के रखूंगा ऐसा वॉलवेट डू नॉट ओवरलैप ये उसका मेन पॉइंट हो गया बेटा और डू नॉट ओवरलैप के साथ जस्ट टच वन आदर टेक्स्ट बुक की लाइन को उठा के मैंने लिख दिया एग्जाम्पल की बात जब होगी तो यहां का एग्जाम्पल क्या है कैलोट्रोपिस है कैलोट्रोपिस की फैमिली है, है। फैमिली नहीं पूछी जाएगी मैं जानता हूँ लेकिन एग्जाम्पल बिकम्स इंपॉर्टेंट मैंने कैलोट्रोपिस को डब्बे में डाला मैंने वॉलवेट को डब्बे में डाला बराबर मैंने यहाँ लिखा है जस्ट टच वन अनादर इसको डब्बे में डाला बराबर और विदाउट ओवरलैपिंग का अलग डब्बा किया और इन्हें वॉलवेट जस्ट टच वन अनादर विदाउट ओवरलैपिंग एज इन कैलोट्रोपिस बराबर ऐसे वॉल्ट एस्टाइवेशन में किसके मिलेगा तो चाइना रोज में मिलता है चाइना रोज का सेपल वॉलवेट एस्टाइवेशन दिखाएगा आगे बढ़ते इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन एज इन चाइना रोज लेडीज फिंगर एंड कॉटन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवरलैपिंग ऑफ द मेंबर बराबर यहां पे आप लोग ट्विस्टेड इस एस्टाइवेशन के बारे में जब लिखो तो मैं यहां लिखता हूं कि ट्विस्टेड यानी टू ओवरलैप द नेक्स्ट एंड गेट ओवरलैप्ड बाय द प्रीवियस मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है ये ट्विस्टेड एस्टाइवेशन का अब यहां मैंने लेडीज फिंगर चाइना रोज और कॉटन इनको निकाला है बेटा बाहर इनकी फैमिली जो है वो काम की है और वो फैमिली कौन सी है तो मालवेसी है और ये कहां मिल रहा है इनके करोला में मिल रहा है भाई बराबर ये हो गया आपका ट्विस्टेड स्टाइवेशन आगे बढ़ते हैं द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनादर बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन जैसा अभी मैंने बोला था टू ओवरलैप द नेक्स्ट एंड गेट ओवरलैपियस ऐसा कोई स्पेशल कैरेक्टर जहां नहीं मिलता वो एस्टाइवेशन इंब्रीकेट एस्टाइवेशन होता है यानी अब डब्बे में गया मेरा इंब्रिकेट बराबर नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन ये एक पार्ट आया और मार्जी का पार्ट ओवरलैप वन अनादर बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कैशिया एंड गुलमोहर और जब मैं कैशिया और गुलमोहर इनकी बात करता हूं तो यहां फैमिली जो है वो कौन सी रहेगी बराबर वो रहेगी सीझल पीनिय सी. मैं बार बार बोल रहा हूं फैमिली नहीं आएगी बट अगर आई तो आई तो हम लोग प्रोविजन करेंगे उसका लिखेंगे कहीं ना कहीं मैं लिख के दूंगा यह पार्ट बराबर इन पी एंड बीन फ्लावर्स अनादर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन पी एंड बीन फ्लावर्स देर आर फाइव पेटल्स द लार्जेस्ट दैट इज स्टैंडर्ड ओवरलैप्स द टू लैटरल विंग्स विच इन टर्न ओवरलैप द टू स्मॉलेस्ट इंटेरियर पेटल किल इस और करोला को भी पैपिलियो करोला बोला जाएगा और इसको एक टर्म और दिया जाता है एंड दट इज बटरफ्लाई शेप्ड करोला दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ क्या हुआ है देखो किन मेंबर्स की बात की है पी और बीन ये दोनों कौन से फैमिली के मेंबर है ये दोनों पेपिलियोनेसी के मेंबर्स है जिसका नया नाम है फैबेसी इसमें टोटल पेटल्स कितने हैं वो पूछा जा सकता है फाइव पेटल्स बराबर लार्जेस्ट जो है उसका नाम है स्टैंडर्ड जो दो लैटरल विंग्स को ओवरलैप करता है और दो स्मॉलेस्ट जो है कील पेटल उनको वो ओवरलैप कर रहे हैं इंटरन अब यहाँ से जो मेरा एक और क्वेश्चन बनता है ना वो कौन सा है वो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट का है क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट पहला इन वॉल्वेट एस्टाइवेशन ओनली टच वन एन आदर बट डे ओवरलैप भाई दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट इन ट्विस्टेड एस्टाइवेशन वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन इन इंब्रिकेट एस्टाइवेशन पेटल्स और सेपल्स ओवरलैप इन अ डेफिनेट डायरेक्शन तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया इन पी एड एंड बीन वेगिलरी एस्टाइवेशन इज सीन वेर ऑल द पेटल्स आर फ्यूज टूगेदर मेरा सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है यह बात याद रखो बराबर अब यहां मैं एग्जाम्पल बेस्ड आइडेंटिफाई द करेक्ट और रॉन्ग स्टेटमेंट का क्वेश्चन बना सकता हूं वॉलवेट एस्टाइवेशन इज सीन इन कैलोट्रॉपिस दूसरा चाइना रोज लेडीज फिंगर एंड कॉटन आर कैरेक्टराइज इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन पी एंड बीन फ्लावर्स शो विकलरी एस्टाइवेशन कैशिया एंड गुलमोहर आर कैरेक्टराइज बाय ट्विस्ट इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन मेरा सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है मालवेसी का कैरेक्टर ट्विस्टेड एस्टाइवेशन ऑफ द करोला है और यहाँ जो एक छुपा हुआ क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है इन विच कंडीशन इट इज़ कन्वीनियंट टू स्टडी द एस्टाइवेशन इन फ्लावर और फ्लोरल पार्ट्स तो बड़ कंडीशन जैसा मैंने लीफ में बोला था ना कि किसी भी प्लांट के लीफ के वेनेशन को पढ़ने के लिए कौन सा सरफेस बेटर है तो वो डॉर्सल सरफेस था ठीक उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर्टिकुलरली यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा है वो ये है कि फ्लोरल बर्ड कंडीशन में इट इज ईजी टू आइडेंटिफाई स्टाइवेशन बराबर जब हम लोग इसके आगे बढ़े जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़े और आगे आने के बाद अलग अलग टॉपिक्स पे फिर से फोकस करें तो ये डायग्राम से स्टाइवेशन की एज इट इज आएगा आपको पूछा जाएगा कि ये कौन सा स्टाइवेशन है ये कौन सा स्टाइवेशन है, है ये क्या है और ये क्या है मैं मेरे कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे लिख के रखूँगा मैं कितना भी धुरंधर क्यों ना हूँ मैं लिख के रखूँगा मेरी मेमोरी कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो मैं लिख के रखूंगा, रखूंगा। क्योंकि मैं नीचे देख के ऊपर नजर हटाने से बेटर है कि एक झटके में सब पढ़ने पे विश्वास करूँ वॉलवे ट्विस्टेड इंब्रिकेट एग्जीलरी ये मैंने यहाँ लिख के रखा है यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर मैं बल्कि लिख के रखता हूँ कैलोट्रोपिस यहां पे मैंने लिख के रखा चाइना रोज लेडीज फिंगर बराबर और उसके बाद तीसरा जो था वो था कॉटन यहां पे मैं लिख के रखता हूं कैशिया गुलमोहर और यहां पे मैं लिखूंगा पी बिन इसे मैं लिख के रखता हूं कि ये स्टैंडर्ड पेटल है इसे मैं लिख के रखूंगा कि ये विंग पेटल है इन्हें मैं लिख के रखता हूँ कि ये कील पेटल है और इनका अरेंजमेंट मैं यहाँ लिख के रखूंगा कि पहला बड़ा फ्री दूसरे दो फ्री और तीसरे दो जो है वो फ्यूज्ड है ये मेरा एक क्वेश्चन 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 है इन सभी के साथ मैं इनमें से कोई ना कोई एक डायग्राम यूज करूंगा और वो मेरा डायग्राम कौन सा रहेगा प्रिफरेंस मेरा रहेगा ये तीसरे नंबर के डायग्राम को ये वाले मैं इसके बारे में तीन लाइन्स लिखूंगा जिसमें से मैं करेक्ट आइडेंटिफाई करने को बोलूंगा इन कैशिया एंड गुलमोहर इंब्रिकेट एस्टाइवेशन इज प्रेजेंट करेक्ट स्टेटमेंट पेटल्स और सेपल्स ओवरलैप ईच अदर बट दे डू नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन करेक्ट है तीसरा स्टेटमेंट रहेगा कि वन इज कंप्लीटली इन साइड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दिस इज कंप्लीटली इन साइड दिस इज कंप्लीटली आउटसाइड एंड अदर्स आर शोइंग ओवरलैपिंग एंड दैट्स वाई द थर्ड टाइप ऑफ एस्टाइवेशन बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ मैं यहां लिख के रखता हूं मेरे पास मेरे कॉपी में मैंने लिख के रखा है मेरे बुक में बींग ओवर लैप एंड टू गेट ओवर लैप बींग ओवर लैप्ड एंड टू ओवर लैप ये जितने जितनेस्टाइवेशन के डायग्राम निकाले हैं ना ये सारे के सारे फ्री कंडीशन को रेफर करते हैं यह मैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में लेने वाला हूं डोंट वरी और जब मैं इनके एजेस को ऐसा फ्यूज दिखा दू ना तो ये सारे के सारे कंडीशन रेफर करेंगे गैमोज यानी फ्यूज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे बढ़ते क्वेश्चन कैसा तो मैं अगर पेपर से टरू तो मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल एंड लाइन पे फोकस करूंगा एंड्रोशियम इज कम्पोज ऑफ स्टेम नो नीड टू रिवाइज ईच स्टेम विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गनिट ऑफ स्टॉक फिलामेंट एंड एंथर स्टॉक फिलाेंट एंड एंथर मेरा क्वेश्चन किस टाइप से मैं बनाता हूं मैंने इस एंथर का एक डायग्राम बनाया उसके बाद मैंने कनेक्टिव और फिलामेंट बनाया इसको मैंने किया ए इसको मैंने किया बी इसको मैंने किया सी और मैंने अब ए बी सी के बारे में तीन लाइन्स लिखी चार लाइन्स लिखी और उसके बाद में मैंने बोला आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट बराबर बी इज द स्ट्रक्चर दैट रेजेस एंथर टू प्रॉपर हाइट इज रॉन्ग क्योंकि फिलामेंट का ये फंक्शन होता है कि वो एंथर को प्रॉपर हाइट तक रिवाइज करे आप मेरा एंड्रोशियम का वीडियो देखिए मॉर्फोलॉजी का आपका आइडिया क्लियर होगा ए इज द पार्ट विच इज यूजली बाइलोब्ड एंड प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन इज द करेक्ट स्टेटमेंट सी इज द स्ट्रक्चर दैट मेंटेन्स वेस्क्यूलेचर टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स एंड एंथर गलत पार्ट और चौथा ऑप्शन मेरे मेरे पास जो है वो रहेगा ऑल ऑफ अब या नन ऑफ अबव ईच एंथर इज टिपिकली बाइलोब्ड यूजली बाइलोब्ड एंड ईच मैं बोलता हूं बाइलोब्ड एंथर तो मैं आपसे एक एग्जाम्पल एक्सपेक्ट करता हूं और वो मैं उठाऊंगा इसी टेक्स्ट बुक का वो है दतुरा जैसे ही मैं बाइलोब डूरा की बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में ये भी आना चाहिए कि ऐसा भी एंथर होता है जो सिंगल लोब के साथ है और ये किसका कैरेक्टर है यह कॉटन का कैरेक्टर है ये हिबिस्कस का कैरेक्टर है और इसलिए उनकी फैमिली में यहाँ मेंशन करके रखूँगा एंड डैट विल बी मालवेसी मालवेसी सिंगल लोब के साथ है ऐसा जो अंतर होता है जो मैंने यहां बनाया है इसको हम लोग टर्म देते हैं बायथिकस टेट्रा यानी चार स्पोरेंजिया के साथ हिंस द नेम टेट्रास्पोरेंजेट चार लोक्यूल्स है यहां लिखा हुआ है चार लोक्यूल्स है बराबर द पोलन सेक्स दो चेंबर है हर लोब में तो दो चेंबर दो ए, ए, एक लोब में दो लोब में चार चेंबर चेंबर यानी लोक्यूल और इसलिए इसको मैं बोलूँगा टेट्रालोक्यूलर जो सिंगल लोब वाला मालवेसी का होता है उसमें एक ही पार्टीशन है तो वो मोनोथिकस हो गया उसके पास दो ही लोब्स होते हैं दो ही सॉरी एक ही लोब होता है दो ही लोक्यूल होते हैं तो वो बायलोक्यूलर हो जाएगा और उसके पास दो ही स्पोरेंजिया है तो वो बायस्पोरेंजिएट हो जाएगा जहां स्टराइल स्टेमिन होता है उसे मैं स्टेमिनोड बोलता हूं यहां डायग्राम जरूरी बनती है ये स्टेमिनोड है जब कोई स्टेमिन स्टराइल होता है उसे स्टेमिनोड बोला जाता है और स्टेमिनोड में क्या नहीं होता एं... <coughs> एंथर नहीं होता <coughs> और एंथर ना होने के वजह से वो स्टेमिन जो है वो स्टेमिनोड हो गया क्योंकि नो एंथर यानी नो पोलन ग्रेन फ्लावर में भी यूनाइटेड विथ अदर लिए चलते हैं आगे ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं लाइन को यहाँ बता रहा हूँ अगर सारे स्टेमेंस का फ्यूजन होकर इस तरीके से एक सिंगल बंडल बना है लाइक like दिस जैसा कि हिबिस्कस में होता है ऐसा उसको मैं बोलता हूं कोहेजन ऑफ स्टेमेंस। क्या मैं ये चीज यहां लिख सकता हूं तो आंसर है यस बराबर इस पॉइंट पे थे हम लोग इस पार्ट पे है तो यहां बढ़ते आगे मेंबर सच एस पेटल्स और अमंग जब अमंग की बात हो जब अमंग तो यहां आना चाहिए कोहेजन बराबर और जब पेटल्स की बात हुई है तो यहां आना चाहिए एधेजन और जब कभी एधेजन की बात होगी तो वेन स्टेमेंस आर अटैच टू द पेटल्स दे आर एपी पेटालस एज इन ब्रिंजल इवन दे आर एपी पेटालस इन मालवेसी जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं और नीट प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता रहना चाहिए कि उनके प्रैक्टिकल में क्वेश्चन नंबर टू में डिसेक्शन ऑफ फ्लावर का जो पार्ट है वहां ही पेज नंबर एटी वन सेम चैप्टर जब वो को अटैच है तो वो लीलिए -ली तो यहाँ एग्जामिनर इस लाइन को यूज करेंगे भाई कि एपी फिलस अगर है टेपल को अटैच्ड है को अटैच्ड है तो वो लिली है

पॉलीएंड्रस यानी फ्री स्टेमेंस और ये फ्री स्टेमेंस मुझे कहाँ मिलेंगे ये मुझे मिलते हैं दतूरा में सोलेनेसी में स्टेमेंस फ्री है भले उनकी फिलाेंट अटैच है कहाँ पेटल्स के साथ वो अधेजन हुआ ना वो कोहेजन नहीं हुआ और दे मे बी यूनाइटेड टू वेरिंग डिग्रीज दिस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट If all the the are united in in one bunch, it is is called as as in case, as case, case with China rose यहां बनाया था और अगर वो दो बंडल्स में है जैसे एक दो तीन चार पाँच, छ सात आठ और नौ ये एक बंडल हो गया इस तरीके से बराबर और एक जो है वो फ्री है अब ये बंडल मैंने ऐसे बना दिया इसका पूरा या कुछ जगह पे आपको ये एक ऐसा नौ का बंडल दिखेगा ये एक स्टेमिन दिखेगा नौ ये नौ हो गए भाई यहाँ पे और ये हो गया तो ये हो गई डायडेल्फी ये हो गई मोनो एडेल्फी मोनो एडेल्फी का कैरेक्टर या मोनो एडेल्फी कौन दिखाता है मालवेसी दिखाती है ऐसी फैमिली जो टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं आती बट सब जगह पे है और एग्जाम्पल क्या है बच्चों चाइना रोज है डाडेल्फी ये कौन से फैमिली का कैरेक्टर है जो टेक्स बुक में है फैबेसी एग्जाम्पल क्या है पाइसम सटाइवम या पी और जब मैं इसी पार्ट में थोड़ा सा और आगे बढ़ू कि टू बंडल्स इन पी एंड मोर देन टू बंडल्स और पॉलियाडे इन सिट्रस तो यहां मुझे एक से ज्यादा बंडल मिलेंगे जैसे ये एक बंडल हो गया ये दूसरा बंडल हो गया ये तीसरा बंडल हो गया ये चौथा बंडल हो गया और ये सारे जो है वो एंथर से। दिस इज प्योरली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ये सीट्रस में मिलेगा मुझे फैमिली साइट्रेसी। बराबर और ये क्या है इट रिप्रेजेंट द पॉलीएडेलफस कंडीशन और पॉली एडेल्फी ऑफ स्टेम देर बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलाेंट्स विद इन अ फ्लावर एज इन सालविया एंड मस्टर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट उसका डायग्राम मैं यहाँ दे रहा हूँ, जैसे ये फ्लावर है, जब दो स्टेमेंस बड़े और दो स्टेमेंस छोटे है तो मैं उसे बोलता हूं कंडीशन बट जब किसी फ्लावर में चार स्टेमेंस ये फुल लेंथ के है और दो छोटे हैं तो उसे मैं टर्म देता हूं टेट्रा डायनामस जो मुझे ब्रासिकेसी में यानी मस्टर्ड में मिलती है पेज नंबर सेवेंटी एट गाइनोशियम पे चलते हैं बराबर जब मैं गाइनोशियम के बारे में बात करता हूं तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इनरमोस्ट है मेडअप ऑफ वन और मोर कार्पेल्स आप मेरा गाइनोशियम का भी वीडियो देखिए वहां मैंने बताया कि सिंगल कार्पेल मोनो कार्पेलरी दो है तो बाई कार्पेलरी तीन है तो ट्राई कार्पेलरी चार है तो टेट्रा पांच है तो पेंटा और उससे ज्यादा है तो पॉली कार्पेलरी और अगर सारी कार्पेल्स फ्री है तो वो कार्पस है और अगर वो सारी फ्यूज है तो वो सिंकारपस है बट मैं अगर एग्जामिनर हूँ तो मैं ये कंडीशन या तो एपोकार्पस या सिनकार्पस ये सिंगल कार्पेल में क्या होता है वो पूछूंगा सिंगल इज ऑलवेज फ्री और इसलिए मोनोकार्पेलरी गायनोशियम इज नाइदर कार्पेल के तीन पार्ट्स होते हैं कार्पेल इज कंसिस्टिंग ऑफ थ्री पार्ट्स नेमली स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी डायग्राम सबको पता है इस तरीके से बनता है बराबर ये स्टिग्मा है क्या करेगा रिसीव्स पोलन ग्रेन हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन स्टाइल क्या करती है प्रोवाइड करती है पैसेज पोलन ट्यूब के लिए और ओवरी इट डेवलप्स इन टू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाईजेशन ये प्लासेंट और ये ओव्यूल एंड ओव्यूल चेंजेस इन टू सीड बराबर यहाँ लाइन बेस्ड क्वेश्चन का यूज ज्यादा होगा ओवर इज द एन लार्ज बेसल पार्ट विच लाइज ऑन इलाटेड ट्यूब और स्टाइल ऑन विच इलाटेड ट्यूब दैट स्टाइल लाइज स्टाइल ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने वाला पार्ट होता है यह हो गया मेरा पॉइंट नंबर वन आइडेंटिफाई द करेक्ट के लिए यह हो गया मेरा पॉइंट नंबर टू और यह तीसरा स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ स्टाइल एंड इज रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन और यहां मैंने अब बनाया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कैसे बना देखो मेरा पहला स्टेटमेंट ओवरी इज द एन लार्ज टॉप मोस्ट पार्ट ऑन विच लाई इज द इोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल इसमें रोंग वर्ड मैंने इंट्रोड्यूस किया है जो है वो बेसल की जगह टॉप मोस्ट किया मैंने सेकेंड स्टेटमेंट वही रखा द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा नो इशूज द स्टिग्मा इज यूज यूजअली एट द टिप बोला है मैंने लिखा द स्टिग्मा इज यूजली एट द बेस ऑफ स्टाइल तो वो रॉन्ग हो गया स्टिग्मा हमेशा स्टाइल के टिप पे रहेगा यानी ये लाइंस के इंपॉर्टेंट वर्ड कौन से बेसल पार्ट को को ओवरी के साथ कनेक्ट करो और स्टिग्मा टिप ऑफ़ द स्टाइल के साथ कनेक्ट करो बच्चों वो रिसेप्टिव सरफेस है पोलन ग्रेन का ये बात याद रखना जरूरी है ओवरी में ओव्यूल जो है वो किसे अटैच्ड है तो दे आर अटैच टू प्लासेंटा विच इज कुशन लाइक बराबर फ्री कार्पेल्स एपो कार्पस आर प्रेजेंट इन रोज एंड लोटस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूरा पार्ट जो है वो एग्जाम्पल बेस्ड जाएगा और जब वो फ्यूज है तो कार्पेल्स मस्टर्ड में फ्यूज है और टोमेटो में फ्यूज है मस्टर्ड यानी ब्रासिकसी टोमेटो यानी ने सी दोनों में कंडीशन है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी का क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो होती है बच्चों इट डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड बट इसके साथ रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं वो प्लासेंटेशन है द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी ज कॉल्ड एज प्लासेंटेशन हमने पहले एस्ट्राइवेशन इस पढ़ा इसके अलग अलग टाइप्स है कौन से है मार्जिनल एक्साइल पराइटल बेसल सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये हर फैमिली का कैरेक्टर होता है गाइनोशियम का नेचर किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में उसके डेवलप होने वाले फ्रूट को डिसाइड करता है कि वो सिंपल रहेगा एग्रीगेट रहेगा कि कंपोजिट रहेगा और इसलिए ये टॉपिक मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ते मार्जिनल प्लासेंटेशन में प्लासेंटा फॉर्म्स रीज रिज अलोंग वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग टू रोज एज इज केस विद द पी ये पी बराबर ये रीज है ये रिज है जिस रिज के ऊपर ये सारे सीड्स है बेसिकली ये पहले वो हुआ करते थे अब वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड है और ये कौन सा है वेंट्रल सूचर है आपने अगर देखा होगा तो वो पी जो है मटर फल्ली जब हम लोग घर पे छीलते हैं तो उसको हम लोग एक ही साइड से तोड़ेंगे वेंट्रल सूचर पे तोड़ेंगे उसको और तोड़ेंगे यानी ओपन करेंगे तो आपको अल्टरनेट मिलेंगे मटर के दाने दो साइड में एक को छोड़ के एक जब प्लासेंटा जो है अब कंडीशन क्या है देखिए द प्लासेंटा मल्टीलोक्यूलर ओवरी इट इज कॉल्ड एज एक्साइल प्लासेंटेशन चाइना रोज टोमैटो लेमन बिकम्स इंपॉर्टेंट चाइना रोज यानी बच्चों मालवेसी टोमैटो सोलेनेसी लेमन यानी और इन तीन फैमिलीज का Estivation, जो है वो कौन सा है वो है तुम्हारा एग्जाइल और फैबेसी जिसका एक, एक, एक फैबेसी का लिया मैंने पी वो मार्जिनल दिखाता है यानी यहां ऑटोमेटिकली अब तक आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि यहाँ का क्वेश्चन सबसे पहला जो बनता है वो कौन सा है वो मैच द कॉलम्स का है इस मैच द कॉलम के क्वेश्चन में पहले टाइप ऑफ एस्टाइवेशन की बात होगी पहले कॉलम में और दूसरा जो कॉलम बनेगा दैट सेकंड कॉलम विल बी कंप्राइजिंग ऑफ एग्जांपल्स टोमेटो की सोलेनेसी टेक्स बुक में आती है पी की फैबेसी टेक्स बुक में आती है और इसलिए एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आप फैमिली का नाम बताओ जब मैं पराइटल प्लासेंटेशन की बात करूंगा तो ओव्यूज डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और पेरिफेरल पार्ट बराबर जहां ओवरी है तो एक चेंबर की बट वो फॉल्स सेप्टम के वजह से बन गई दो चेंबर की और ये फॉल्स सेप्टम पूछा जाएगा एग्जाम में कौन से प्लासेंटेशन में पराइटल प्लासेंटेशन में ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी विच इज वन चेंड बट बिकम्स टू चैम्बर ये सेप्टम का नाम याद रखिए मैं यहां लिख के दे रहा हूं ये सेप्टम जो है दैट इज कॉल्ड एज ए रेपलम चार मार्क्स. यहां एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट और एग्जाम्पल क्या है बच्चों मस्टर्ड है एग्जाम्पल आपका मस्टर्ड है और आर्जीमोन है जब मैं मस्टर्ड के फैमिली की बात करता हूं अब तक दस बार बोल चुका हूं कि वो ब्रासी केसी है और गलती से अगर आर्जीमोन की फैमिली आपको याद ऐसे लगा कि नहीं याद होना चाहिए तो उसकी फैमिली पापा भरे सी है। अर्जिमोन इसके लीफ है इसके लीव पे होते हैं सर एंटायर सरफेस पे और ये वही पापा भरे सी फैमिली है जहां से वो हेल्थ एंड डिसीज में आने वाला पापा भर सोमनी है जब ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टार अब्सेंट तो वो प्लासेंटेशन सेंट्रल हो जाएगा जो डायंथस और प्राइम रोज़ का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये प्लासेंटेशन कौन सा फ्री सेंट्रल मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसल प्लासेंटेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जहां पे प्लासेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी एंड सिंगल ओविल इज अटैच टू इट एज इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड बराबर सनफ्लावर की फैमिली कौन सी सनफ्लावर की फैमिली एस्टरेसी बट एक और फैमिली है जो बेसल प्लासेंटेशन दिखाती है और वो कौन सी है पोएसी और इसलिए इन फैमिली से डेवलप होने वाले जितने सारे फ्रूट्स होते हैं वो सब के सब फ्रूट्स आर सिंगल सीडेड स्पेशली जब मैं पोएसी की बात करूं, तो वो फ्रूट कौन सा बनता है पोएसी का फ्रूट बनता है बच्चों कैरियोप्सिस टाइप आगे एक वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। बेसल प्लासेंटेशन का यूनिक फीचर यहां मैंने डब्बे में डालना चाहिए सिंगल एट द बेस ऑफ ओवरी बिकम्स इंपॉर्टेंट ये बेसल प्लासेंटेशन का कैरेक्टर है मैं आपको सारे लाइन बेस क्वेश्चन इसके बता चुका हूं अब डायग्राम बेस की बारी है। मैंने आपको मैच द कॉलम भी बनाया बताया डायग्राम पूछी जाएगी और ये नाम पूछे जाएंगे आइडेंटिफाई एबीसीडी ई डायग्राम पूछी जाएगी और एग्जाम्पल दिए जाएंगे आइडेंटिफाई डायग्राम दी जाएगी एक कॉलम में दूसरे कॉलम में टाइप ऑफ प्लासेंटेशन दिया जाएगा मैच द कॉलम्स डायग्राम दी जाएगी और एग्जाम्पल दिया जाएगा मैच द कॉलम्स इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की है ओवर द ईयर्स जो कुछ मैं समझा हूँ एन से बराबर वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ हो सकता है इससे और ज़्यादा क्वेश्चंस हो और वो आपको दिखे भी बट एक बार ये सारी चीज़ें इस तरीके से पढ़ने के बाद अंडरलाइन करने के बाद पूरी बुक कलरफुल करने के बाद और वो दिमाग में डालने के बाद मैं आपको पक्के से बता सकता हूँ कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो मॉर्फोलॉजी से आपको नहीं आएगा Thanks for your support. Thanks for watching. This is all about flower and this video. Thank you very much.